बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण अपनी एक्टिंग को लेकर जानी जाती हैं। दीपिका सोशल मीडिया पर भी काफ़ी एक्टिव रहती हैं। इस इंडस्ट्री में दीपिका ने अपने दम पर एक खास मुकाम हासिल किया है। बता दें, बीते महीने ही दीपिका पादुकोण ने कांस फिल्म फेस्टिवल में बतौर जूरी मेंबर हिस्सा लिया था और इसके बाद वो तुरंत अपनी अपकमिंग फिल्म प्रोजेक्ट के की शूटिंग के लिए हैदराबाद रवाना हो गई थी। लेकिन इस समय दीपिका पादुकोण से जुड़ी एक अहम खबर सामने आ रही है कि बीती रात ही दीपिका इस फिल्म की शूटिंग खत्म करके वापस मुंबई लौट आई हैं। आपको बता दें, सोशल मीडिया पेपराजी ने अपने इंस्टाग्राम पर दीपिका का एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो मुंबई एयरपोर्ट पर नजर आ रही हैं। दरअसल फिल्म प्रोजेक्ट के की शूटिंग पूरी करते ही दीपिका पादुकोण तुरंत हैदराबाद से मुंबई वापस लौट आई हैं। बता दें, मुंबई एयरपोर्ट पर नजर आई दीपिका पादुकोण के चेहरे पर थकान जरूर दिख रही है, जिसे उनके फैंस ने भी काफी नोटिस किया है। बता दें, हाल ही में खबरें आई थी कि फिल्म प्रोजेक्ट के की शूटिंग के दौरान ही दीपिका पादुकोण को इमरजेंसी में हॉस्पिटल ले जाना पड़ गया था। बताया जा रहा है कि दीपिका को हार्ट रेट के बढ़ जाने की वजह से उन्हें चेकअप के लिए ले जाया गया था। इसके कुछ दिन बाद ऐसी बातें भी सामने आईं कि दीपिका पादुकोण अपने रेगुलर चेकअप के लिए हॉस्पिटल भी गई थी। इन खबरों के चलते ही दीपिका के इस नए वीडियो को देखकर फैंस और भी ज़्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। साथ ही अगर फिल्म प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो नाग अश्विन की फिल्म के जरिए दीपिका पादुकोण और प्रभास की जोड़ी पहली बार पर्दे पर साथ दिखाई देने वाली है, तो वहीं फैंस भी इस फिल्म का पहला लुक देखने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हैं। दीपिका और प्रभास के अलावा इस फिल्म में अमिताभ बच्चन भी अहम रोल में नजर आने वाले हैं। दीपिका पादुकोण के वर्क फ्रेंड की बात करें तो फिल्म प्रोजेक्ट के अलावा वो फिल्म फाइटर में ऋतिक रोशन के साथ और पठान में शाहरुख खान के साथ दिखाई देंगी। जहाँ वो ऋतिक के साथ पहली बार स्क्रीन शेयर करने जा रही हैं, तो वहीं शाहरुख खान के साथ वो तीन फिल्मों में पहले भी काम कर चुकी हैं। ये शाहरुख और दीपिका की साथ में चौथी फिल्म होगी। इस फिल्म के लिए दीपिका और शाहरुख खान दोनों ने ही अच्छी खासी रकम चार्ज की है, तो वहीं फिल्म में विलेन के रोल में जॉन अब्राहम भी नजर आने वाले हैं।